तरनतारन के लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से पीडीए की उम्मीदवार बीबी परमजीत कौर की ओर से पहले तरनतारन में एक चुनावी जनसभा की गई, जिसमें पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा, श्रोमणी अकाली दल टकसाली के नेता रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा, सेवा सिंह शेखवा, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह और बीबी परमजीत कौर के समर्थक इस रैली में पहुँचे। फिर बीबी परमजीत कौर की ओर से अपने समर्थकों को साथ लेकर अपने नामजद के पेपर दाखिल करवाए। वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए सुखपाल सिंह खैरा ने श्रोमणी अकाली दल बादल और कांग्रेस पार्टी पर जमकर शब्दी हमले किए। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह नो अपने मंत्रियों के उत्ते ते एमएलएयां दे उत्ते कॉन्फिडेंस नहीं ना हैगा। उन्हां नू लगदा वा कि साडे एमएलएयां ने ते मंत्रियों ने दोवां सालां च कुछ नहीं कीता। पंजाब दे विच दोवां सालां च उदां ही चिट्टा विकिया, उदां ही खुदकुशियां होईयां, उदां ही रिश्वतखोरी आ, उदां ही किसानां ते खेत मजदूरां दी आत्महत्या होई। इसलिए चीफ मिनिस्टर नू हुण मजबूरन इह कहना पिया कि अगर जिहड़ा एमएलए अपने इलाके चों हारूगा या जिहड़ा मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चों हारूगा उदा रिपोर्ट कार्ड के आधार के उत्ते उन्हों वजारत च रखिया तो कढ़िया जा सकता। दिस इज टोटल पैनिक स्टेट, एक घबराहट के बुखलाट का सीधा सीधी निशानी है। भारत की सरकार ते कैप्टन ते बादलों को सोचना चाहिए कि 2020 दियां मंगा उठिया क्यों ने, क्योंकि पंजाब के नाल पहले दिन तो वितकरा हो रहा। जिस पंजाब के गैरतमंद ते बहादुर लोगों ने देश के लिए आजादी लिए सब तो वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां, सब तो ज़्यादा रस्से चुम्मे, सब तो ज़्यादा काला पानी ते जेलां कट्टियां, बनदिया सार भारत की आज़ादी तो बाद पहला वितकरा पंजाब नाल भाषा के आधार के उत्ते उन्हां नूं सूबा ना देना सीगा, और उत्थे मोर्चे ला के सूबा लेना पिया। फिर साडा दरियाई पानी राजस्थान ते हरियाणे नूं देता, उस तो बाद दरबार साहब ते हमला, सिखां दा कतलेआम 34 साल तो बाद ना इंसाफ देना, और हुण लगातार निरंतर पंजाब दे नाल इंडस्ट्रियल वितकरा, पंजाब दे किसानां दे नाल कोई पैकेज ना देना। यह मैं समझदा कितने ना कितने पंजाब दे लोकां दीआं या दुनिया भर च बैठे पंजाब ते सिखां दीआं भावनावां नूं सट वज्जी आ। तरनतारन से हरजिंदर गब्बर, जीवे पंजाब टीवी।